नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक शानदार सीरीज, जिसके अंदर अपने जो मैथ के चैप्टर हैं 1 से लगाकर 10 चैप्टर तक महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए हैं। आज अपन बात करेंगे आपका जो चैप्टर नंबर 11 है उसके बारे में। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, और चैप्टर की बात करें आपके बोर्ड के हिसाब से तो 6 नंबर का चैप्टर है। आप 6 में से 6 नंबर बहुत आसानी से निकाल पाओगे इसके अंदर। ब्लू प्रिंट के हिसाब से बात करें तो 2 1-1 नंबर के प्रश्न, ठीक है, और 2 ही 2-2 नंबर के प्रश्न इसमें से आने वाले हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव टाइप और एक अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछा जा सकता है, या फिर दोनों ही अति लघु उत्तरात्मक और 2 प्रश्न आपसे कैसे पूछे जा सकते हैं, लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के 2 1-1 नंबर के प्रश्न और 2 2-2 नंबर के प्रश्न कुल मिलाकर 6 नंबर। अगर आपको मैथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो सिर्फ आप इन टॉपिक को, बहुत इजी जो टॉपिक है उनको आप पहले कवर कर लीजिएगा, ताकि आप कुछ अच्छे लेवल तक पहुंच सके। तो चलिए बात करते हैं हमारे जो चैप्टर नंबर 11 है इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की। 1 नंबर में प्रश्न आपको मान लो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछा जाए तो किस तरह से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, जिसके अंदर हमें यह दे रखा है पहला प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करें तो किसी वर्ग पर स्थित एक बिंदु से खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। द नंबर ऑफ टेंजेंट लाइन कैन बी ड्रॉ एट ए पॉइंट ऑन ए सर्कल विल बी, एक पॉइंट से एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ की जा सकती है, एक सर्कल से एक पॉइंट से सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसी तरह के एक वर्ग पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या, एक सर्कल पर टोटल कितनी ड्रॉ करते, एक बिंदु नहीं कहा है, एक बिंदु नहीं कहा है तो फिर हम अनंत खींच सकते हैं, इनफिनिट, ठीक है, इनफाइनाइट हम क्या खींच सकते हैं, स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगला है, दिए गए बाह्य बिंदु से वर्ग पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, ठीक है। हाउ मेनी टेंजेंट लाइन कैन बी ड्रॉ टू सर्कल फ्रॉम गिवन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से जैसे ये वर्ग दिया हुआ है, इसके बाह्य बिंदु से यहां से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो हमें पता है 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, कितनी खींच सकते हैं, 2। तो ऑप्शन के अनुसार हमारा क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अगला जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है, एक वर्ग पर खींची जा सकने वाली समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है, कितनी पैरेलल टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल पर, तो पैरेलल लाइन कितनी होती है, 2 होती है, कितनी, 2 लाइन के ड्रॉ कर सकते हैं। अगला है, वर्ग पर स्पर्श रेखा वर्ग को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, जो टेंजेंट लाइन है, ठीक है, वो सर्कल को कितने पॉइंट पर टच करती है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा है तो क्या होगी, एक ही बिंदु पर टच करेगी। नेक्स्ट है, वर्ग की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण बनता है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है और उस कोण का नाम क्या है, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, या फिर इनमें से कोई नहीं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, फिर राइट एंगल, या फिर नन ऑफ दीज। तो हम बात करते हैं त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, रेडियस और टेंजेंट लाइन के बीच में कितने डिग्री का है, यानी 90 डिग्री का कह दो, या समकोण त्रिभुज बनता है। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, 1 नंबर का जो प्रश्न आएगा एक ऑब्जेक्टिव टाइप का, इसके बाद में 1 नंबर का आपके अति लघु उत्तरात्मक पूछा जाने वाला है, तो अति लघु उत्तरात्मक हम इसी के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आपको पूछा जाएगा अति लघु उत्तरात्मक, उसमें आपको रचना नहीं लिखनी है, बस 1 नंबर में पूछा जाएगा उसमें रचना नहीं, सिर्फ डायग्राम बनाना है, और 2 नंबर में पूछा जाएगा उसमें हमें रचना भी साथ में लिखनी है। तो आपको यहाँ पर मैं प्रश्न यहाँ बता रहा हूँ, पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 100% इसमें से आपका इस तरह का प्रश्न 1 नंबर प्रश्न है, मतलब थोड़ा सा नंबरिंग में कंफ्यूजन है, मतलब तो ये है, 6.7 सेंटीमीटर एक लंबाई का रेखाखंड आपको खींचकर 2:3 में विभाजित करना है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.7 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इनटू इनिशियली इन द रेशियो ऑफ 2:3, इस रेशियो में हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। बहुत महत्वपूर्ण, 100% इस प्रश्न को आप अच्छे से लिख लीजिएगा, 100% इस तरह का प्रश्न आने वाला है। बस क्या करेगा, यहाँ पर लेंथ चेंज कर देगा इसकी लंबाई, और अनुपात में चेंज कर सकता है। सवाल का तरीका आप देख लीजिएगा, इसी तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिएगा मैं आपको सवाल बता रहा हूँ आपको किस तरह से करना है, ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत इजी से तरीका हम समझेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, 6.7 सेंटीमीटर स्केल से एक लाइन खींच लेनी है, हमने यहाँ पर 6.7 सेंटीमीटर की स्केल से लाइन खींच ली है, ठीक है। कितनी है, 6.7 सेंटीमीटर, इसको मैंने पॉइंट कह दिया ए, और ये हमारा पॉइंट हो गया बी, हमने इसको कह दिया 6.7 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया, सबसे पहले 6.7, उसके बाद में देखो स्टेप बाय स्टेप चलते जाना, उसके बाद में आपको क्या करना है, ए बिंदु से हमें नीचे की तरफ एक लाइन बनानी है इस तरह से, ठीक है, और इसको हमने कह दिया एक्स, एक्स कह दिया। अब क्या करना है, ये अनुपात कितना है, 2:3, तो दोनों अनुपातों को जोड़ लो, 2 रेशियो है उनको जोड़ लो, कितने हो गए, 5। तो हमें क्या करना है, इस लाइन के 5 बराबर भाग करने, कितने, 5 बराबर, प्रकार को आप खोल लेंगे अपने हिसाब से, जैसे मैं मानता हूं अभी अंगूठा आप मेरा प्रकार की नोक और ये पेंसिल मान लीजिएगा, प्रकार लगा ली पेंसिल के अंदर, 5 बराबर भाग करने, पहला भाग, फिर दूसरे वाले भाग पे रखेंगे ये दूसरा भाग,
फिर यहां पर रखिए तीसरा भाग, ये चौथा भाग और ये पांचवा भाग, तो पांच बराबर भाग हमने यहां पर बना दिए। इसी तरह आपको पांच बराबर भाग बनाने, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे तक हमने, यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले ये 6.7 सेंटीमीटर, फिर नीचे की तरफ लाइन खींचनी है, अनुपात देख लो कुल कितने हैं, दो और तीन जोड़ के पांच, तो पांच बराबर भाग कर दो, इसके कितने भाग कर दो, पांच बराबर भाग, यहां तक आ गया। अब जो लास्ट वाला भाग है, जो हम लास्ट वाला भाग हमने खींचा है, उसको हमें क्या करना है, इस बी पॉइंट से मिलाना है, लास्ट वाले भाग को आपको बी पॉइंट से मिलाना है। ये हमारा पॉइंट ए था, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट बी था, ठीक है, लास्ट वाले पॉइंट को आप बी से मिला दें, यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब ध्यान रखिएगा, अब जो बात है वो समझने वाली है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, वो आपको ध्यान से देखना है। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, अब आप प्रकार को खोलेंगे, निश्चित प्रकार को खोल लिया, और इस लास्ट वाले पॉइंट पे रख के प्रकार को ऐसे घुमाना है, इसे उतना का उतना प्रकार बिना हिला, प्रकार नहीं हिलाना है, और पहला अनुपात जो है हमारा दो नंबर, तो दो नंबर पॉइंट पे भी हम उतना का उतना घुमा दें। ये ए टू है, दो नंबर वाले पॉइंट पे भी प्रकार को वैसे ही घुमा दी, ठीक है, प्रकार को वैसा घुमा दिया। अब हमें क्या करना है, प्रकार को हिलाकर हमें क्या करना है, प्रकार को छोटा बड़ा, यहां से जहां से हमने ये वर्थ स्टार्ट किया था, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट, प्रकार को छोटा बड़ा करके और यहां तक नाप लेंगे, जहां पर ये लाइन टच कर रही है और ये वाली लाइन, दोनों लाइनें जहां पर ये मैंने बड़ा किया छोटा करते करते यहां तक, या छोटा है तो बड़ा करके और यहां तक, ठीक है। आपको क्या करना है, इसे रख के और यहां से एक चाप काट देना जो बिल्कुल यहां से कटे। अब प्रकार को नाप के यहां पर अब हिलाना नहीं है, यहां से भी स्टार्टिंग पॉइंट से रख के और इतना कितना चाप इस तरह से काट देना। दोबारा से देखिए हमने क्या किया, पहले एक वर्थ काटा और यहां से हमने क्या किया, एक चाप काट दिया जो यहाँ पे इस वाली लाइन को और इस चाप को कट करे, उतना का उतना हमने यहाँ कर दिया। बस अब हमें कुछ नहीं करना, एक लाइन यहाँ से दूसरे नंबर पॉइंट से, कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पॉइंट से जाते हुए और इस तरह हम मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया सी, ये कौन सा पॉइंट हो गया, सी पॉइंट, जो इसको किस अनुपात में, 2:3 में विभाजित कर रहे हैं। बस इस तरह से आपको बनाना है, ये आपका 100% इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा, इसको आप अच्छे से तैयार कर लो, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा ही जाने वाला है। तो जैसे आप, मैंने आपको बताया उसी तरह से आपको ये संख्या चेंज कर सकता है, यहाँ पर लंबाई अलग दे सकता है, 6.7 की जगह कुछ और दे देगा, और अनुपात की जगह मान लो आपको यहाँ पर 3:4 दिया होता तो उसको कितने भाग बनाते, टोटल 7 भाग बनाते और तीसरे पर फिर से बनाते, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, बस इतना सा ध्यान रखना है, हमारा सवाल बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अगर एक नंबर से ज्यादा ये पूछा जाएगा दो नंबर में, तो फिर इसकी रचना भी लिखनी है, इसके साथ में कंस्ट्रक्शन भी लिखना है। रचना क्या लिखेंगे मैं बता देता हूं, लिखना आपको खुद के। सबसे पहले हमने क्या किया था, 6.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, तो लिखेंगे सर्वप्रथम 6.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचा, पहली लाइन। दूसरा क्या, ए से नीचे की ओर न्यून कोण बनाए, फिर हमने दूसरे पॉइंट में क्या किया था, न्यून कोण बनाए, एक एक्यूट एंगल बनाए नीचे की ओर। तीसरा हमने क्या किया था, जो ए फाइव है, तीसरा को हमने A5 को किससे मिला दिया था, B से मिलाया, A5 को किससे मिलाया था, B से मिलाया। फिर हमने क्या किया, चौथे पॉइंट में ये जो हमारी लाइन बनी है A5B, इसके समांतर हमने लाइन खींची है A2C, ये हमने कोण नापा था यहां पर, ठीक है, कोण नाप के हमने वो की वो लाइन इसके समांतर आपने लाइन खींची है, ये समांतर लाइन खींचने के लिए हमने कोण नाप के। और चौथा हमारा, पांचवा क्या, अतः अभिष्ट जो लाइन है AB, उसको सी पॉइंट जो है वो 2:3 में विभाजित करता है। इस तरह से आपको इसकी रचना लिखनी है। नेक्स्ट अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, 5 सेमी त्रिज्या के एक वर्ग पर ऐसी दो स्पर्शरेखाएं खींचिए जो 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। 5 सेमी त्रिज्या का एक वर्त बनाना है, सबसे पहले हम एक वर्त बनाएंगे 5 सेमी त्रिज्या का, ये हमने वर्त बना दिया 5 सेमी त्रिज्या का, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको 5 सेमी त्रिज्या का वर्त, इस पर आपको 60 डिग्री पर झुकी हुई दो स्पर्शरेखा बनानी है, ठीक है। ये हमने इसका केंद्र लिया है, ये इसका केंद्र है, ठीक है। अब 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई दो स्पर्शरेखा आपको बनानी है, तो देखो 60 डिग्री पर कैसे, मान लो मैंने पहली लाइन खींची ये वाली, अपनी मर्जी से कैसे भी लाइन खींच लो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, यहां पर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना होता होगा, 60 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, यहां पर प्रकार को रख के और ऐसे घुमाते हैं, ठीक है। पहला चाप कटेगा वो कितने का होगा, 60 का, तो यहां से फिर से हमें ये लाइन खींचनी है, ये 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री हमें प्रकार से बनाना है, किससे बनाना है, प्रकार से। अब इसके बीच में जो कोण बना है वो 60 डिग्री का है, अब हमें इसके ऊपर दो स्पर्शरेखा खींचनी है, बहुत आसान है, स्पर्शरेखा खींचनी, स्पर्शरेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री कोण बनता है, तो हम यहां पर भी एक 90 डिग्री कोण बनाएंगे। 90 डिग्री कोण कैसे बनाते हैं, प्रकार वैसे घुमाए, पहला 60 का चाप, दूसरा 120 का, अब 60 और 120 पर रखिए, ऊपर चाप काटेंगे
तो हमारा 90 डिग्री कोण बन जाएगा, और यहां से जाते हुए हम लाइन खींच देंगे एक, जो बिल्कुल इस पॉइंट से जाएगी इस तरह से, ठीक है। इसी तरह यहां पर आएगा, यहां पर आपसे ऊपर की साइड चाहिए, इधर साइड बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 90 डिग्री का यहां पर भी बनाना है। तो देखो कैसे बनेगा, यहां पे प्रकार को रखा और इस तरह से घुमा दिया, पहला चाप कटेगा 60 का, दूसरा कटेगा 120 का। अब 60 और 120 पे फिर से एक और ऊपर चाप काटना है, ये अब यहां से जाते हुए खींचेंगे लाइन, तो ये भी हमारी हो जाएगी इस तरह से। आप थोड़ा सा ध्यान से खींचेगा, हो जाएगी आपके, तो ये दूसरी होगी, ठीक है। ये हमने पॉइंट लिख दिया इसका, ये बिंदु ओ हो गया, इसको पी, इसको क्यू दे दिया, और ये कोई भी टी पॉइंट दे दिया हमने। तो यहां से हमने दो स्पर्श रेखा खींच दी। अब आप इसकी रचना कर सकते हो, जैसे जैसे हमने बनाया, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, फिर से क्या है, दो त्रिज्याएं जो 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई बनाई, फिर क्या है, यहां से पी बिंदु से इसके ऊपर लंब बनाया, ये इसके साथ 90 डिग्री कोण बना रहा है, इसी तरह ये, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो ये प्रश्न आप बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है इसी तरह का, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें आपको एक त्रिभुज बनाकर और उसको क्या है, अनुपात में बांटना है। 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, जो इसकी भुजाओं को दिए गए संगत भुजाओं को 2:3 गुणा हो, जो इसके 2/3 गुणा हो, ठीक है। तो आपको किले को कैसे करना है, तो देखिएगा वैसा ही सवाल है जैसे हमने पहले किया था, उसी से मिलता जुलता सवाल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपको जो भुजाएं दे रखी है ये चीजें आप अलग लिख लीजिएगा। आपको दे रखा है 4 सेमी, 5 सेमी, 6 सेमी और कौन से गुणा में, 2:3 में। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले इन भुजाओं के अंदर सबसे बड़ी भुजा हम सबसे पहले खींचेंगे, 6 सेमी की लाइन हमने ऐसे खींच ली, कितने की, 6 सेंटीमीटर, इसको हमने नाम दे दिया ए, ये भी, ये 6 सेंटीमीटर की हमने लाइन खींची। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस वाली साइड से 4 सेंटीमीटर का चाप काटना है, कितने का, यहां से प्रकार रखा ए पॉइंट से और मैंने चाप काट दिया यहां से, ये 4 सेंटीमीटर का ए पे प्रकार, प्रकार को ए पे रखा हुआ है, प्रकार को मैंने खोल लिया इस लाइन से, 4 सेंटीमीटर स्केल से नापा, 4 सेंटीमीटर स्केल से नाप के और मैंने एक चाप काट दिया, इधर से मैंने बी पॉइंट से 5 सेंटीमीटर का प्रकार नाप के और ये पॉइंट काट दिया। अब जहां पे दोनों कट रहा है वो हमारा बिंदु सी हो जाएगा, और इसको यहां से मिलाना है, यहां से मिला दिया, यहां से मिला दिया, ठीक है। ये हमारा है 4 सेंटीमीटर का चाप काटा था, ये हमने 5 सेंटीमीटर का चाप काटा, यहां तक समझ में आ गया, बहुत आसान सा सवाल है। इसके बाद में हमें वही प्रोसेस लगाना है जो हमने पीछे लगाया था बस, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ काट देंगे। अब हमें ये दोनों अनुपात नहीं नापने, वो अनुपात में नहीं दे रखा बट्टे में, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या के जितने भाग है उतने भाग कर देंगे। नीचे वाली संख्या में कितने भाग है, 3 भाग, तो मैंने यहाँ 3 भाग कर दिए, पहला, दूसरा, तीसरा भाग। तीसरे भाग को हमें क्या करना होता है, यहां पर मिलाना है, तीसरे भाग को हमें क्या करना है, यहां मिलाना है, इस भाग को हमने यहां से मिला दिया, ठीक है। तो ये हमारा होता है A1, A2, A3 और ये हमारा। अब वो कौन नाप के और आगे करना है, कौन नाप के हम अभी कर लेते हैं, कौन नाप के कैसे करते हैं, आपको पता है यहाँ पे रखा और मैंने ऐसे घुमा दिया, और इतना का इतना हमें कौन सा पहला ऊपर वाला, देखो मान कितना है, 2 पे, 2 नंबर पे उतना ही रखना है, जा रखा, और इसको ऐसे घुमाना है। फिर हम कौन नापेंगे, कौन नापने के लिए हमें क्या करना है, देखिए कौन कैसे नापते हैं, यहां से हमें प्रकार को, इधर तो नोक इसके ऊपर रखनी है जहां से वर्त खींचा था, और यहां पे चाप काट देना, इतना इतना का इतना आपको चाप यहां पर भी काटना है, और फिर से यहां से जाते हुए लाइन खींच देंगे हम, ठीक है। ये B है तो इसको हमने कह दिया B डैश। अब ये जो कोण नापने वाला प्रोसेस है ना, वो यहां B लगाना है हमें, B पर भी लगाना है, तो B पर हमने ऐसे लगा दिया इतना के इतना, इस पॉइंट पे भी हमें लगाना है, C पे भी इतना के इतना। अब हमें कोण नापना है, यहां से इतना, यहां से इतना, तो यहां से भी जाते हुए एक लाइन ऐसे खींचनी है, ठीक है। अब ऊपर पॉइंट C है तो इसको C डैश कह दिया, बस ये जो त्रिभुज बना है वो हमारा त्रिभुज है, बस आपको इसकी रचना लिखनी है, जैसे जैसे हमने चित्र बनाया उसकी रचना वैसे वैसे लिख दीजिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा सवाल। तो ये भी आपको सवाल अच्छे से तैयार करना है, इसकी रचना जरूर लिखनी है सवाल की, मैं फिर से बता रहा हूँ, रचना आपको अगर अच्छे से सीखना है तो फिर हमारा जो चैप्टर हमने 11th नंबर चैप्टर समझ रखा है वहां पर जाकर आप उसकी रचना भी सीख सकते हैं, किस तरह से हमने रचना लिखी है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, एक त्रिभुज एबीसी बनाइए, बीसी 6 सेंटीमीटर, एबी 5 सेंटीमीटर, कोण एबीसी 60 डिग्री है, यहाँ त्रिभुज नहीं है, कोण एबीसी है, ध्यान रखना है कोण है ट्रायंगल 60 डिग्री है, और इसको 3×4 में। तो देखिएगा जो जो चीज हमें दे रखी है वो लिख लेते हैं, सबसे पहले बीसी 6 सेंटीमीटर, एबी 5 सेंटीमीटर और कोण बी दिया हुआ, बीच में लिखा हुआ है कोण बी है 60 डिग्री का, और कौन से में, 3/4।
ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लंबी लाइन है वो खींच ली मैंने, ठीक है, बीसी खींच ली 6 सेंटीमीटर, बीसी 6 सेंटीमीटर, ये बी है, ये सी। अब आपको कहा है बी 60 डिग्री का कोण, तो प्रकाश से यहां पर पहले 60 डिग्री कोण बनाना है इस बी बिंदु पर। 60 डिग्री का कोण कैसे बनता है आपको बताया मैंने, प्रकाश को ऐसे खोल के ऐसे चाप काटा, पहला चाप काटते हैं वो कितने का होता है 60 का, तो यहां से जाते हुए हमने ऊपर एक लाइन खींच दी, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, ए बी कितनी होनी चाहिए, ये बी है ऊपर ए पॉइंट आएगा 6, अब आपको प्रकार खोली है 5 सेंटीमीटर, कितनी खोली है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर प्रकार खोल के और मैंने चाप काटा तो 5 सेंटीमीटर, ये तो कितनी है हमारी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर हमने चाप काटा तो हमारा चाप यहां पर कटा, ठीक है, और अब इसको यहां से मिला देंगे, यहां से प्रकार 5 सेंटीमीटर खोल के हमने चाप काटा तो यहां आ गया और यहां से हमने इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है, वो लास्ट वाली लाइन को आपको कितना ही नहीं है अपने आप खोल के और मिला देंगे, ठीक है, तो ये हमारा हो गया है त्रिभुज ए बी, ये ए पॉइंट हो गया, बाकी हमारा प्रोसेस वही रहेगा, बस ये कौन 60 डिग्री का हमें बनाना था 60 डिग्री, बाकी हमारा प्रोसेस वही है, पीछे वाला यहां से न्यून कौन बनाएंगे, ठीक है, कितने भाग करने, नीचे देखो 4 नंबर है तो इसको 4 बराबर भाग करो, 1 2 3 4, लास्ट वाले भाग को हम क्या करते हैं इसे मिला देते हैं, तो लास्ट वाले भाग को हम इसे मिला देते हैं, अब यहां से कौन नापना है उतना, ठीक है, यहां से हमने कौन नाप लिया, ये उतना का उतना हमारे कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, ये हमारा 3 नंबर है, ठीक है, देखो ये ए वन है, ए टू है, ए थ्री है, ए फोर है, अब प्रकार से ये कौन नापना है तो कौन नाप लेते हैं, देखो कैसे नापते हैं, यहां से प्रकार को इतना खोलना है, उतना को उतना यहां पे खोल दो, पर यहां से जाते हुए लाइन खींच दो, ठीक है, ये सी है तो ये क्या हो जाएगा सी डैश, ठीक है, उसके बाद में यहां से भी कौन नाप के ऐसा खींच दो एक और तो वो हो जाएगा, देखिएगा यहां से इतना का इतना इसी बिंदु पे रखो सी डैश पे, अब यहां से प्रकार को इतना सा खोलना है तो यहां से भी इतना सा खोल के यहां से, अब यहां से लाइन खींच दो जाते हैं यहां से भी, ये हो गया, ये ए है तो ये ए डैश हो जाएगा, ये त्रिभुज बन गया, इसकी रचना लिखनी है वैसी, तो इस तरह से हम इस सवाल को कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सवाल है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा चांसेस है पूछे जाने के, पूरे पूरे चांसेस है इस सवाल के पूछे जाने के। सवाल दिया है 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई नापिए, हालांकि लंबाई नापना है या नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है, छोटा बड़ा ये देखो मान चेंज हो सकते हैं, बाकी सवाल तो वैसा ही रहने वाला है, तो हमने सबसे पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना दिया, उसके बाद में कहा इसके केंद्र से, ये केंद्र है, इससे स्केल से 10 सेंटीमीटर दूर हमने एक बिंदु लिया है, ये 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु ले लिया, ठीक है, इसको हमने बिंदु को कह दिया P। अब आपको इस P बिंदु से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचनी है, कैसे खींचेंगे वो देखिएगा, तो अब हमें क्या करना है, पहले इस रेखा को समद्विभाजित करना है, समद्विभाजित कैसे करते हैं, ए बी पर प्रकार को रखा ओ पर और यहां से एक चाप काट दिया, ठीक है, यहां से लेते हैं कलर चेंज कर लेते, ओ पर प्रकार को रखा हुआ ऐसे और ऐसे हमने देखो ये प्रकार को रखा हुआ है ऐसे चाप काट दिया, इसी तरह ऊपर रखा हुआ एक नीचे की तरफ चाप काट दिया, पी पर रखा हुआ एक चाप यहां काट दिया, एक यहां काट दिया, अब इस दोनों को मिलाओ, तो जैसे हम यहां पर मिलाते हैं तो मिलाने पर देखिएगा ये बन गया, तो यहां पर ये टच कर रहा है तो ये हमें केंद्र मिल गया इसका, अब इसको केंद्र को एम कह देते हैं, समझ में आया, सबसे पहले हमने ओ से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लिया है पी, अब हमने P को समद्विभाजित किया, ऊपर और नीचे चाप काटा, P से भी ऐसे चाप काटा, तो ये हमारा बिंदु है। अब आपको क्या करना है, M को केंद्र मानकर एक और वृत्त बनाना है, क्या करना है, M को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाना है, वृत्त कैसे बनेगा देखिएगा, आप प्रकार से रखोगे, प्रकार कहां रखा हुआ है देखो, इसमें बनाते हुए प्रकार को रखा हुआ है एम पर, एम पर प्रकार को रख के मैंने एक गोला बनाया, यानी ऐसे एम पर प्रकार को रखा हुआ है और एक गोला बना रहे इस तरह से, पूरा प्रकार यहां से जाएगा, ध्यान रखना इस तरह से, प्रकार को वहीं पर रखा हुआ है ध्यान रखना, अब यहां पर प्रकार का यूज नहीं कर सकते अपन इससे, ठीक है, तो ये बन गया, अब हमारा क्या है, ये जो M है वो केंद्र है और ये वर्त है, अब हमें क्या करना है, वर्त कहां का टच कर रहा है, एक यहां पर और एक यहां पर, ये बिंदु हो गया A और इसको कह दिया B, अब हमें इसको बस मिलाना है यहां से और हमारी ये क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी, दो ये यहां से यहां को मिला दो और यहां से बिंदु P से अगर दोनों को मिला देते हैं तो हमारा वो बन जाएगा, ये हमारा बिंदु P है तो ये दोनों स्पर्श रेखा होगी, ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अच्छे से तैयार कीजिएगा इसको। नेक्स्ट हमारा सवाल है 5 सेमी त्रिज्या की दो स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए, सॉरी 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए जो 60 डिग्री कोण, ये सवाल हम कर चुके हैं,
सबसे पहला हमने यही सवाल किया था, ठीक है, सेम ही सवाल है, आप चाहें तो इसकी दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप इतने से सवाल का ही अच्छे से अध्ययन कर लेते हो ना, तब भी आपके पेपर में इससे बाहर नहीं आने वाला, इससे बाहर नहीं आने वाला। आप इतने क्वेश्चन भी कर लेते हो तब भी आप 6 में से 6 नंबर। सवाल में आपको संख्या चेंज कर देगा, किसी में 1 नंबर में दिया है तो रचना नहीं लिखनी, और ये 2 नंबर में दिया है तो चित्र के साथ आपको रचना भी लिखनी है, ठीक है। तो ये थी आपकी 11वीं प्रश्नावली के महत्वपूर्ण सवाल। इन प्रश्नों का सवाल से अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। अगर आप इसको पूरा डिटेल में देखना चाहते हो किस तरह से बिल्कुल प्रकार से पेंसिल से किस तरह से एकदम एग्जैक्ट डायग्राम बनाने हैं, तो फिर आप उस चैप्टर वाले वीडियो में जाइएगा जहां पर हमने उस चैप्टर को डिस्कस करा है, वहां पर आपको एक एक चीज बिल्कुल पेंसिल प्रकार से बिल्कुल कॉपी में आपको अच्छे से समझा रखा है, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।